हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। आज 1 अक्टूबर से बनने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, जिनसे आपके आने वाले एग्जाम में, फिर वो चाहे MTS हो, चाहे ग्रुप डी हो या SSC GD, सवाल बनने तय हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पूरी वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखनी है, और वीडियो में जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे सामने आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सितंबर में किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस सितंबर में किस तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 30 सितंबर? तो अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि 30 सितंबर। अब आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर 1953 में स्थापित हुआ था, उसके बाद इसने इस दिन का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी अनुवाद में संयुक्त, यानी कि यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर दो की बात कर लेते हैं, तो किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन नाम से भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन स्टार्ट की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे, कि किस मंत्रालय ने नागरिकों के लिए एल्डर लाइन नाम की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन स्टार्ट की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय? दो नंबर के सही जवाब की अगर हम बात कर लें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन स्टार्ट की है, जिसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है और ये नंबर है 14567। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सवाल नंबर तीन की बात कर लेते हैं, श्री ओम बिरला जी ने हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है, जिसे किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा? युवा मामले और खेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय परिवर्तन? तो अगर तीन नंबर के सही जवाब की बात कर ले हम लोग तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यटन मंत्रालय। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने 27 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय आयोजित कर रहे एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस योजना का उद्घाटन किया है, इसे ध्यान रखिएगा। सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि ओम बिरला जी, जो कि 17th लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनका संसदीय क्षेत्र क्या है? सवाल नंबर चार की बात कर लेते हैं, NPCI ने रुपे ऑन दी गो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। NPCI ने रुपे ऑन दी गो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस, HDFC, यस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? अब चार नंबर के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि यस बैंक। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने यस बैंक के साथ पहला रुपे ऑन दी गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। संस्थापक में राणा कपूर और अशोक कपूर देखने को मिलते हैं। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। मुख्य लोग में आपको सुनील मेहता इसके अध्यक्ष और प्रशांत कुमार इसके MD एंड CEO दिखाई पड़ते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यस बैंक ने अभी कुछ दिन पहले लोन इन सेकेंड नाम का एक पोर्टल निकाला था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। लोन इन सेकेंड, ये किस बैंक का है? तो यस बैंक का है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जवाब देंगे कि यस बैंक की टैगलाइन क्या है, जरूर बताएंगे सभी लोग यस बैंक की टैगलाइन क्या है। चलिए सवाल नंबर पांच की बात कर लेते हैं, तो 2021 राइडर कप किस टीम ने जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 राइडर कप किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इटली? पांच नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात कर लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने टीम यूरोप को 19-9 से हराकर 2021 का राइडर कप जीत लिया है। यह राइडर कप
के इतिहास में जीत का सबसे बड़ा अंतर माना जा रहा है। बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि आपको पोटोमैक नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का न्यूयॉर्क है। राष्ट्रपति जो बिडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, हाउस स्पीकर नैन्सी पॉलोसी और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के जॉन रॉबर्ट्स। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है और न्यूयॉर्क आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। इन दो सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चैंपियंस पोर्टल याद रखिएगा, चैंपियंस पोर्टल हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या कारपोरेट मामलों के मंत्रालय? तो 6 नंबर के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के चैंपियंस पोर्टल ने एमएसएमई के 50 लाख पंजीकरण को पार कर लिया है। अब आप सभी को बताना है यह मंत्रालय किसके पास है, वर्तमान में यह मंत्रालय किसके पास है। और अगर हम बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की, तो ये किसको दिया गया था? हमारे मोदी जी को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? सोलर अलायंस के लिए। आपको पता होगा भारत की सोलर अलायंस की अध्यक्षता 2 ईयर के लिए बढ़ा दी जा चुकी है। अगर हम बात करें तो सर जी, गुजरात ने सोलर एनर्जी में टॉप पोजीशन हासिल की है इस बार। आपको पता होगा गुजरात भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है, इसीलिए गुजरात में सबसे बड़ी सौर परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। आप सभी को बताना है कि इंडियन सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? इंडियन सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? 7 नंबर के सवाल की बात कर लें, इनमें से कौन 2021 के लिए यूएनएचआरसी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड के विजेता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2021 के लिए यूएनएचआरसी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता कौन है? मानवतावादी विकास के लिए जील अल्बेना एसोसिएशन यानी कि यमन, सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन सॉलिडरिटी यमन, द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्वैच्छिक एजेंसियों, द लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज। तो अगर 7 नंबर के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानवतावादी विकास के लिए जील अल्बेना एसोसिएशन। ध्यान रखिए, अमीन जुबरान द्वारा 2017 में स्थापित, ठीक है याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, अमीन जुबरान के द्वारा 2017 में स्थापित जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नाम के यमन के मानवीय संगठन ने देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। अब बात करें यूएनएचआरसी की, तो यूएनएचआरसी की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को होती है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं फिलिपो ग्रैंडिक। उम्मीद करते हैं डिटेल आपको अच्छी लगी होगी। सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं, तो जन केयर शीर्षक वाला अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? ध्यान रखिएगा, जन केयर शीर्षक वाला अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? 8 नंबर की अगर सही जवाब की बात करेंगे तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने 28 सितंबर 2021 को जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप सभी को बताना है यह अमृत महोत्सव आजादी के किस वर्ष के लिए मनाया गया था, ठीक है, कौन से वर्ष के लिए मनाया गया। चलिए अब सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं, तो ह्वासोंग 8 एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? यानी कि ह्वासोंग 8 का प्रक्षेपण किसने किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या ताइवान? 9 नंबर के सही जवाब की बात करेंगे तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर कोरिया। आइए जान लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। तो उत्तर कोरिया ने 28 सितंबर 2021 को ह्वासोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन,
प्रधानमंत्री हैं किम यांग इल और विधानमंडल है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। इसे याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी को जवाब देना है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है? सवाल नंबर 10 की बात कर ले। सितंबर 2022 तक अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, एक साल के लिए इन्हें नामित किया गया है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के अध्यक्ष के रूप में हमने किसे नियुक्त किया है? निखिल साहनी, चिन्नी कृष्णन, CK रंगनाथन या श्रीनिवास वी डेम्पो। 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CK रंगनाथन। CK रंगनाथन को एक वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह केविन केयर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। उनकी नियुक्ति सितंबर 2022 तक यानी कि अगले राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन तक वैध रहेगी। अब बात करते हैं अखिल भारतीय प्रबंधन संघ की। तो इसकी स्थापना हुई है 1957 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत पड़ता है। अध्यक्ष श्री CK रंगनाथन जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी करंट अच्छी लग रही होगी। सवाल नंबर 11 की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसेट 9 लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट लैंडसेट 9 लॉन्च किया है। उम्मीद है आपको जवाब पता चल रहा होगा। इसरो, DRDO, नासा या फिर ईशा। तो 11 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नासा। अब बात कर लेते हैं तो नासा ने हाल ही में एक शक्तिशाली उपग्रह लैंडसेट 9 को लॉन्च किया है, जो लैंडसेट 8 के साथ मिलकर हर 8 दिनों में पूरी पृथ्वी की तस्वीर खींचकर हमारे ग्रह के स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा के हेड है बिल निल्सन, जो कि जिम ब्रेंडस्टीन के बाद आए हैं। वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1958 को। आप सभी को बताना है कि सर इसकी प्राइवेट एजेंसी का नाम क्या है? नासा की प्राइवेट एजेंसी का क्या नाम है? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की और अपने आखिरी क्वेश्चन की। जिन्होंने हाल ही में सशक्त विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी दी है वो कौन है? ध्यान रखना, हाल ही में विवाद निवारण तंत्र के गठन को मंजूरी देने वाले कौन है? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, RK सिंह या हरदीप सिंह पुरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RK सिंह। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री श्री RK सिंह ने हाल ही में एक शक्तिशाली विवाद निवारण तंत्र की स्थापना को अधिकृत किया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी करंट आपको पसंद आ रही होगी। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल के साथ जरूर बने रहें, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे सकते हैं। मैं मुलाकात करूंगा कल नई करंट, नई ऊर्जा और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।